स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है मौन की ताकत। एक बार एक चित्रकार ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। वह उसे अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है कि मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ, मैं इस तस्वीर के कितने रुपए मांगूँ। पत्नी ने जवाब दिया कि इसके आप 1000 रुपये मांग लेना। चित्रकार को लगा कि यह रकम बहुत ऊँची है, फिर भी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसी रकम की मांग वो करेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। वह एक बड़े चित्रों के शौकीन के पास पहुंचा और उसे अपनी चित्रकारी दिखाई। उस शौकीन ने यह पेंटिंग देखी और कहा कि आप इस सुंदर तस्वीर की क्या कीमत चाहते हैं। चित्रकार 1000 रुपये कहना चाहता था, परंतु अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसे इतनी रकम मांगने में हिचकिचाहट हो रही थी। मौन के इस पल में सामने वाला बेचैन हो गया और चित्रकार के बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन चित्रकार के मुंह से बोल नहीं फूटे। अंत में उस खरीदार से और इंतजार नहीं किया गया और उसने कहा कि 2000 में इसके दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, इस कहानी से मौन की महानता पता चलती है। हीरे की कीमत पारखी जानता है। चित्रकार के मौन से उसे फायदा और सामने वाले को नुकसान हुआ। खरीदार को इतना सब्र नहीं था कि वह सामने वाले के बोलने का इंतजार कर सके। यह तो कारोबार की कहानी है। हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं कि हम सामने वाले की बात सुने बगैर बहुत कुछ कह डालते हैं। हम अपनी बात जितनी तेजी से संभव हो रख देते हैं, जबकि मौन को समझने और उसका फायदा लेने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए धैर्य के साथ पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन का निर्वाह करें। धन्यवाद।